हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आदित्य एम ब्लॉग में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते? तो इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट तथा कुछ किताबों के आधार पर दिया गया है। हमारा मकसद किसी भी जाति या धर्म को अपमान करना नहीं है। अगर इसमें कुछ गलती हुआ तो अपने दोस्त को माफ करिएगा। दोस्तों, मुसलमानों के खाना पीना से लेकर रहना तक भी सभी कार्य इस्लाम धर्म के अनुसार होता है। मुसलमान अपनी जिंदगी में इस्लामी तौर तरीके के हिसाब से ही गुजारते हैं। दोस्तों, मुसलमान धर्म में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ नियम और तौर तरीके हैं। पहला बात तो इस्लाम धर्म में शराब पीना जायज नहीं बताया गया है। इस्लाम धर्म में इसके बाद सुअर का मांस खाना भी मना किया गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह का वीडियो बनाना तो डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पे जाकर आप लोग वहाँ पे अनेक प्रकार की वीडियो बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, मुसलमानों के पवित्र पुस्तक कुरान में यह बताया गया है कि मुसलमानों को ऐसा कोई भी मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल न हो, अर्थात वैसे जानवर अपने आप मर जाते हैं, उनका मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। मुसलमानों को वैसा मांस खाना चाहिए जो हलाल किया गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जीव मर जाते हैं उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां मौजूद रहती हैं, तथा मरने के बाद उनके शरीर में अनेक प्रकार के कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से अपने आप मरे हुए जीव को मांस खाने की सलाह नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी की इच्छा हो तो वह खा सकता है। लेकिन सुअर के मांस को खाने से क्यों मना किया गया है, चलिए इसे भी जानते हैं। दोस्तों, सुअर एक अलग ही प्रकार का जीव है। यह जीव गंदगी में रहना तथा गंदगी खाना पसंद करता है। दोस्तों, अलग बात यह है कि इसके मांस में एक अलग प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, जो मांस के द्वारा मांस खाने वाले के शरीर में चला जाता है तथा वहां जाकर ब्लड संचार को रोक देता है, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तथा इसका मांस कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सुअर के मांस को खाना मना किया गया है। दोस्तों, मैं इन सब बातों से सहमत हूँ, क्या आप भी सहमत हैं? तो वीडियो को लाइक करें, तथा इसके बारे में आप लोग कुछ जानते थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप लोग वहाँ पे इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे जाकर आप लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।